हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो दे विच असी जिहड़ी गलबात करांगे दैट इज़ रिलेटेड विद टैंपरेचर कन्वर्शन एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एंड उस तो अलावा असी लिक्विड थर्मामीटर दे बारे गल करांगे एंड आई विल टैल यू दैट वाई मरकरी इज़ यूज्ड इन लिक्विड थर्मामीटर। कि जिहड़े पुराने थर्मामीटर आपां जिहड़े यूज़ करदे सी उहदे विच जिहड़ा है इक मरकरी जिहड़ा आपां यूज करदे सी इन ऑर्डर टू मेजर द टैंपरेचर ऑफ ए बॉडी। सो उस तो अलावा असी कुछ जिहड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिहड़ियां है डिस्कस करांगे। सो सब तो पहले यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ शोइंग ऑफ लिक्विड थर्मामीटर। सो लिक्विड थर्मामीटर जिहड़े आ, सो दीज आर द ट्रडिशनल ओल्ड टाइप ऑफ थर्मामीटरस जिहड़े आपां बहुत पहले यूज़ करते सी, हुण भी आपां इन्हां यूज़ करते हैं बट वेरी रेयर। हुण थोड़े जिहड़े एडवांस थर्मामीटर आ गए आ दैट इज़ रिलेटड विद इनफ्रारैड टैक्नोलॉजी, कि आपां जिहड़ा आ इनफ्रारैड टैक्नोलॉजी की मदद के नाल जिहड़े आ थर्मल स्कैनिंग करके वी कैन मेजर द बॉडी टैंपरेचर। बट इस मरकरी थर्मामीटर दे विच आई वांट टू टैल यू कि जिहड़े आपां ये लिक्विड थर्मामीटर यूज़ करते सी, सो उहदे विच वी कैन यूज़ मरकरी और अलकोहल एज लिक्विड। कि असी उस थर्मामीटर दे विच लिक्विड नूं जिहड़ा है इनसर्ट कर दिंदे सी। तुसी इस डायग्राम दे विचों देख सकते हो कि दिस इज़ द थिक ग्लास वाल जिहदे विच जिहड़ा आ मरकरी जिहड़ी आ आपां स्टोर कीती हुंदी आ। एंड जदों ये जिहड़ी थिक ग्लास वाल आ जिहड़े डाक्टर नूं जदों तुसी दिखाउण जांदे हो ते उह तुहाडे मूँह दे विच इनसर्ट करदे आ इन ऑर्डर टू चैक योर बॉडी टैंपरेचर। सो उस केस दे विच की हुंदा है कि जिहड़ी ये मरकरी दी की खासियत आ, इट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि वह जिहड़ा आ तुहाडी बॉडी दे विचों हीट अबजॉर्ब करके एंड देर इज़ ए एक्सपेंशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि वह जिहड़ी मरकरी आ वह एक एक्सपेंड कर जाती है, सो बिकॉज इट हैज़ वेरी गुड थर्मल एक्सपेंशन। सो मरकरी की जिहड़ी कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन आ, कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन कि जिहड़ी उहदी एक्सपेंड करन दी जिहड़ी कपैसिटी आ, इट इज़ वेरी गुड। सो एंड इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो जिहदे करके की आ कि जिहड़ा मरकरी आ जदों हीट नूं अबजॉर्ब करदा आ ते उह जिहड़ा आ उहदा वॉल्यूम जिहड़ा आ एक्सपेंड करदा आ। सो एक पर्टिकुलर रेंज तक उह कित्थे कु तक एक्सपेंड कर सकदा आ कि जिन्नी कु उहने हीट जिहड़ी बॉडी ते विचों अबजॉर्ब कीती आ। सो उस रेंज तों असीं दस सकदे हां कि जिहड़ा साडी ह्यूमन बॉडी दा किन्ना टैंपरेचर है जां जिहड़ा पेशेंट है उहनूं फीवर है जां नहीं है। सो इह जिहड़ा इस टैक्नोलॉजी दे नाल जिहड़े पुराने थर्मामीटर जिहड़े आ इह काम करदे सी। सो इहदे विच मरकरी दी जिहड़ी खासियत इह सी कि इट हैज़ ए लो स्पैसिफिक हीट। कि उह जिन्नी हीट जिहड़ी आ उह अबजॉर्ब करदा आ उन्नी दी उन्नी जिहड़ी आ उह शो कर दिंदा आ कि किन्नी जिहड़ी उहदी एक्सपेंशन होई आ। सो ड्यू टू इट्स लो स्पैसिफिक हीट एंड इट अबजॉर्ब्स ए वेरी लैस हीट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। एंड जिन्नी हीट इन्हें अबजॉर्ब की आ उन्नी जिहड़ी उहदी आ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो उत्तों सानू पता लग जाता है कि जिहड़ा साडी ह्यूमन बॉडी का जिहड़ा टैंपरेचर आ वह की आ। सो हुण आपां गल करांगे कि जिहड़ा आपां टैंपरेचर आ उहनूं आपां तीन स्केल्स दे विच मेजर कर सकते हैं। सो वो जिहड़े तीन स्केल जिन्हां दे विच आपां टैंपरेचर नूं आम मेजर करते हैं, सो वन इज़ सैलसीयस स्केल, अदर इज़ फारनहीट स्केल एंड थर्ड इज़ द कैलविन स्केल। कि जे सानू एक स्केल का जिहड़ा टैंपरेचर आ जे वह पता आ उहदी वैल्यू पता आ ते आपां दूसरे जिहड़े स्केल की वैल्यू जिहड़ी आ वह इस रिलेशन तो जिहड़ी आ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंड इस रिलेशन दे विच तुसीं देख सकते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टैंपरेचर इन सैलसीयस स्केल, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टैंपरेचर इन फारनहीट स्केल एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टैंपरेचर इन कैलविन स्केल। ठीक है, कि जे आपां दो किसी टैंपरेचर के बारे गलबात कर रहे हैं, जे फॉर एग्जाम्पल असी सैलसीयस दे विच सानू टैंपरेचर दिता होया ते असी फारनहीट दे विच जिहड़ा आ उहनू इस इक्वेशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जे सानू सैलसीयस दे विच दिता है ते असी कैलविन दे विच वी जिहड़ा आ उहनू सिद्धा सिद्धा कैलकुलेट कर सकते हैं।
हुण एक गल मैं इत्थे तुहानूं दसणी चाहवांगा कि जिहड़ा स्केल है सैलसीयस दा जिहड़ा टैंपरेचर स्केल है वह सब तो छोटा हुंदा है, उस तो बाद जिहड़ा आ फारनहीट दा जिहड़ा स्केल है वह तो वड्डा हुंदा ते कैलविन दी जिहड़ी रीडिंग है वह सारिआं तो जिहड़ी स्केल वाइज वड्डी हुंदी है। कि फॉर एग्जाम्पल जे मैं इत्थे गल कहां कि साडे कोल ह्यूमन बॉडी का जिहड़ा 37 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर है, सो उस केस दे विच जिहड़ी उहदी फारनहीट दे विच तुहानूं जिहड़ी वैल्यू आ उह आपां इत्थे कैलकुलेट भी करांगे, सो दैट इज़ 96.8 डिग्री फारनहीट एंड कैलविन दे विच जिहड़ा आ वैन यू एड 273 एंड 37, सो उस केस दे विच जिहड़ा तुहाडे कोल कैलविन की जिहड़ी वैल्यू आएगी दैट इज़ 310। सो यू कैन चैक कि जिहड़ा सैलसीयस की जिहड़ी रीडिंग आ उहदी वैल्यू सब तो घट है ते कैलविन स्केल की जिहड़ी रीडिंग की वैल्यू आ वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हुंदी है। हुण कोई भी जिहड़ा आपां स्केल की कोई भी जिहड़ी डेरीवेशन आ उहनूं कैलकुलेट करना, सो उहदे विच असीं जिहड़ा आ एक वाटर नूं रेफरेंस पॉइंट लैके कंसिडर करते हाँ कि 0 डिग्री दैट इज़ द लोएसट फिक्सड पॉइंट। सो जिहनूं आपां की कह दिंदे हाँ कि पानी का जिहड़ा घट तो घट टैंपरेचर जिहड़ा आ जिहदे उत्ते आइस जिहड़ी आ उह जमा हो जाती है जिहनूं आपां मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कहने हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो लोएसट फिक्सड पॉइंट जिहड़ा आ आपां 0 डिग्री कंसिडर करते हाँ ते जिहड़ा 100 डिग्री आ उहनूं आपां कंसिडर करते हाँ अपर फिक्सड पॉइंट जां हाईएसट फिक्सड पॉइंट जिहड़ा आ उहनूं आपां UFP दे नाल कंसिडर करते हाँ दैट इज द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हुण ये जिहड़ियां दो वैल्यूज जिहड़ियां आ LFP ते UFP दे कंपैरिजन दे नाल जिहड़ियां आपां ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 32 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 212 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਨੋ ਲੈਟ ਅਸ ਵਰਕ ਔਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਓਵਰ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਮਾਈਨਸ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਓਵਰ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਇਜ਼ 0 ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਵੈਸਟ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ 32, ਸੋ ਓਵਰ 212 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਓਵਰ 100 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਮਾਈਨਸ 32 ਓਵਰ 180। ਸੋ 180 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 212 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ 180 ਸੀ ਓਵਰ 100 ਪਲੱਸ 32, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਇਜ਼ 1.8 ਟਾਈਮਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਪਲੱਸ 32। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਟ।
So here C is representing the temperature of Celsius scale and F is representing the temperature of Fahrenheit scale. So this is the relation you can derive कि जे तुहानू पता है कि सेल्सियस दे विच जिहड़ी लोअर फिक्सड पॉइंट ते अपर फिक्सड पॉइंट उहदी वैल्यू सानू पता है, इसे तरह फारनहाइट स्केल दे विच सानू अपर फिक्सड पॉइंट ते लोअर फिक्सड पॉइंट दी जिहड़ी वैल्यू पता है, ते यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट दिस रिलेशन. Now let us try to solve a numerical related to this. Now the question is, at what temperature will the centigrade and Fahrenheit scale have the same numerical value? Hun jehda apa relation centigrade da derive kita hai Fahrenheit de naal, that is equal to C over 5 is equal to F minus 32 over 9. Hun oh ki keh reha hai ki ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਕੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ. ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ. ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਪੁੱਟ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ, ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਐਫ ਓਵਰ 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਮਾਈਨਸ 32 ਓਵਰ 9. ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਇਟ. ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਏ 9F over 5 that is equal to F minus 32. So F the values ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F minus 9F over over 5, not for whole, over for this case. So that is equal to 32. So when I solve this, so this comes out to be 5F minus 9F over 5 that is equal to 32. So minus 4F that is equal to 32 into 5. So that is equal to 160. So F comes out to be minus 40 degree F. ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਐਟ ਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆਏਗੀ. ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਏ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ whose lower fixed point is minus 5 degree and upper fixed point is 105 degree measures a temperature as 80 degree. ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਮਈਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਈਅਰਿੰਗ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਸਕੇਲ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, 0 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਏਗਾ. ਨੋ ਲੈਟ ਅਸ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ C ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਓਵਰ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰ ਕਰੈਕਟ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰ ਕਰੈਕਟ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ, ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰ ਕਰੈਕਟ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ. ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ 5. ਸੋ C ਮਾਈਨਸ 5 ਓਵਰ ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ 105 ਡਿਗਰੀ, ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 5 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਓਵਰ 100. ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਲਟੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 80 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 80 ਪਲੱਸ 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 85 ਓਵਰ
105 माइनस एंड माइनस गोज प्लस, सो 85 ओवर दिस इज इक्वल टू 110, दैट इज इक्वल टू सी ओवर 100। सो उहदे तो मैं जिहड़ी करैक्ट थर्मामीटर की जिहड़ी वैल्यू आ उह कैलकुलेट कर सकदा हां। सो सी कम्स आउट टू बी 85 इंटू 100 ओवर 110, सो दैट कम्स आउट टू बी 850 डिवाइडेड बाय 11, सो दिस इज इक्वल टू 1177, सो दिस कम्स आउट टू बी ए, सो 1177, सो दैट इज इक्वल टू 3 point, सो दिस गोज 1122, सो 8 1177। सो जिहड़ी सी दी वैल्यू जिहड़ी आ करैक्ट थर्मामीटर दे विच किन्नी आएगी, सी इज इक्वल टू 77.27 डिग्री सैलसीयस। कि जिहड़ा फार्टी थर्मामीटर दे विच जिहड़ा टैंपरेचर आ उह 80 डिग्री शो कर रहा आ, सो जे उहनू करैक्ट सैलसीयस स्केल दे विच आपां उहनू मेजर करांगे ते उहदी जिहड़ी वैल्यू आ उह किन्नी शो करेगा, दैट इज इक्वल टू 77.27 डिग्री सैलसीयस। सो नैक्सट क्वेश्चन इज, ए फॉल्टी थर्मामीटर हैज़ इट्स फिक्सड पॉइंट मार्क्ड 5 and 95, इफ द टेंपरेचर ऑफ बॉडी एज शोन ऑन द सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री, दैन इट्स टेंपरेचर शोन ऑन दिस फॉल्टी थर्मामीटर विल बी इक्वल टू। सो दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन। सो इस केस के अपना लैफ्ट साइड के उत्ते फॉल्टी स्केल की जी रीडिंग लिखा, सी माइनस लोअर फिक्सड पॉइंट 40 स्केल का दिता हुआ 5, अपर फिक्सड पॉइंट दैट इज 95 माइनस लोअर फिक्सड पॉइंट, सो दिस इज फॉर द फॉल्टी स्केल, दैट इज इक्वल टू सी माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0, दैट इज फॉर द करैक्ट स्केल। सो टेंपरेचर ऑफ द बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल, कि करैक्ट सेल्सियस स्केल दे विच जिहड़ी सी दी वैल्यू आ उह सानू किन्नी दित्ती होई आ 40 डिग्री सेल्सियस, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंपरेचर फॉर द फॉल्टी थर्मामीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी, इहनू आपां लिख लांगे सी माइनस 5 ओवर 90, दैट इज इक्वल टू 40 ओवर 100, so this comes out to be c minus 5, that is equal to 40 over 100 into 90, this get cancelled, 0 and 0 get cancelled, so 9 into 4, that is 36, so c minus 5 is 36, so c is equal to 36 plus 5, that is equal to 41 degree Celsius. So therefore temperature shown on this faulty thermometer will be equal to 41 degree Celsius. कि जिहड़ी करैक्ट स्केल दे उत्ते रीडिंग 40 डिग्री आ रही है साडी, वो फॉल्टी थर्मामीटर दे उत्ते किन्नी रीडिंग शो करेगा, दैट इज इक्वल टू 41 डिग्री सैलसीयस। सो नैक्सट क्वेश्चन इज, ए फॉल्टी थर्मामीटर रीड 10 डिग्री इन मेल्टिंग आइस एंड 100 डिग्री सैलसीयस इन बॉइलिंग वाटर एट ए नॉर्मल प्रेशर, सो वट विल बी द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर वैन इट इज़ मयर्ड ऑन द ट्रू थर्मामीटर स्केल। 40 डिग्री के उत्ते जी थर्मामीटर की जो फॉल्टी वाला किन्नी रीडिंग जी शो करेगा। सो अगेन, सो फॉर फॉल्टी स्केल जिहड़ा साढ़े कोल किन्ना दिता होया है, लोअर फिक्सड पॉइंट वह दिता होया 10 डिग्री सैलसीयस, अपर फिक्सड पॉइंट फॉर फॉल्टी स्केल इज़ 140 एंड लोअर इज 10, सो दिस इज फॉर द फॉल्टी थर्मामीटर, and this is equal to c over 100 for the correct scale. hun apan nu question ki puchya hoya unna ne, what will be the reading on this thermometer, ki eh wale jede faulty thermometer de utte jehdi aa o kinni reading jehdi aa o show hoegi jehdi correct thermometer de vich 40 degree reading jadon show ho rahi aa। so c di value sanu kinni ditti hoyi aa, ede vich sanu ditti hoyi aa 40 डिग्री सैलसीयस, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉल्टी स्केल, सो दिस कम्स आउट टू बी सी माइनस 10 ओवर
130 दैट इज़ इक्वल टू 40/100। सो दे तो आपां सी दी जिहड़ी वैल्यू आ उहनू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 40/100 इंटू 130। सो दिस गैट कैंसल, सो 13 × 52, सो सी माइनस 10 इज 52, सो सी इज़ इक्वल टू 62°C। सो जिहड़ी फाल्टी थर्मामीटर दे विच जिहड़ी रीडिंग शो करेगा वह किन्नी शो करेगा, दैट इज़ इक्वल टू 62°C। सो यह तो सी आप गल की कि जदों आप डिग्री सैलसीयस तो फारनहीट दे विच कन्वर्ट करना होए जां फारनहीट दे विच सानू दिता होया तो आप सैलसीयस दे विच जिहड़ा आ उहनू कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इहदे लई जिहड़ा आप रिलेशन ड्राइव किया है, सो दैट इज़ इक्वल टू C/5, दैट इज़ इक्वल टू F-32/9। सो दिस इज द रिलेशन विद विच वी कैन कन्वर्ट द टेंपरेचर फ्रॉम डिग्री सैलसीयस टू फारनहीट एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट अस डू कि जे आप सैलसीयस तो कैलविन दे विच जिहड़ा आ जे आप स्केल नू कन्वर्ट करना होए, सो उस केस दे विच जदों फॉर एग्जाम्पल सानू 27°C दे विच स्केल दिता, सो टेंपरेचर ऑफ सैलसीयस दैट इज़ इक्वल टू 273। सो टेंपरेचर ऑफ कैलविन दैट इज़ इक्वल टू 273 प्लस टेंपरेचर ऑफ सैलसीयस स्केल। हुण सैलसीयस स्केल जिहड़ा सानू दिता होया 27°, सो उस केस दे विच कैलविन स्केल दे विच किन्ना टेंपरेचर शो करेगा, दैट इज़ इक्वल टू 300 Kelvin। सो कैलविन दे नाल जिहड़ा आपां डिग्री नहीं लगांदे, सो कैलविन स्केल दे विच जिहड़ा 27°C स्केल दे विच टेंपरेचर शो कर रहा है, सो कैलविन दे विच जिहड़ा टेंपरेचर आ दैट विल बी इक्वल टू 300 Kelvin। सो दिस इज़ द रिलेशन विद विच यू कैन कन्वर्ट द टेंपरेचर फ्रॉम सैलसीयस टू कैलविन और वाइस वर्सा। सो तिन्हां दे विच जिहड़ा रिलेशन आ एक बारी मैं दोबारा लिख दिंदा, सो T/100 दैट इज़ इक्वल टू फारनहीट स्केल -32/180, दैट इज़ इक्वल टू कैलविन स्केल -273/100। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन थ्रू विच यू कैन डिवेलप द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। सो आई होप कि यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस लेक्चर, सो कीप वॉचिंग अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। Till then, goodbye.